हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला वाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीओ ओलंपियाड वर्क बुक से लॉजिकल रीजनिंग। इससे पहले मैंने एनसीओ वर्क बुक की कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक सारे टॉपिक्स मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आज मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक से लेकर आऊँगी। अब हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर एक्स। ये पिक्चर्स दिया गया है, जिसमें ये चार पिक्चर्स दिए गए हैं, सामने आमने सामने ग्रीन कलर्स है, और फिर इधर ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन आमने सामने ग्रीन कलर है, तो सामने एक्स की जगह पर ये रेड कलर ए एंड सी दोनों में से कोई भी वन ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये येलो कलर का जो है ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर रेड में येलो ये है और यहाँ पर रेड ब्लैक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल येलो ब्लैक है, तो नेक्स्ट हमारा ये ब्लैक कलर्स में रेड कलर आ जाएगा। सो ऑप्शन करेक्ट 1 इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ये प्लांट में पानी देने वाला बकेट है जिसमें ये स्प्रे बॉटल है, तो वन बकेट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 स्प्रे बॉटल है, एंड वन स्प्रे बॉटल इक्वल टू 2 ग्लास। तो क्वेश्चन हमारा है देन वन बकेट में कितने ग्लास वाटर्स आएंगे, ऑप्शन ए 24, बी 20, सी 25 एंड डी 23। अब हम देखते हैं कि हमारा ये बकेट दिया गया है, और वन बकेट में क्या हो रहा है, वन स्प्रे बोतल बराबर 2 ग्लास हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, कितने ग्लास हैं, 10 ग्लास हैं, तो 10 स्प्रे बॉटल में कितने हो जाएंगे, 2 ग्लास इक्वल टू 10 बार 2 ग्लासेस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल 10 हो गए, तो ये इक्वल टू हो गया 20। सो करेक्ट आंसर इज क्या हो गया, ऑप्शन बी 20। क्वेश्चन नंबर 3, अमन इज प्लेइंग विथ डाइस हैविंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑन इट्स फेस। इफ द सम ऑफ नंबर ऑन द अपोजिट फेसेज इज 7, देन व्हाट इज द नंबर ऑन फेस अपोजिट ऑफ 1। क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे, अमन डाइस से खेल रहा है जिसमें 1 से 6 तक नंबर हैं, और सभी नंबर्स के जो है अपोजिट नंबर्स हैं उसके टोटल जो है सम जो है 7 है, तो हमारा 1 का अपोजिट कौन सा नंबर है। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 इसके पीछे छुपे हुए हैं, तो हमारा जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि अपोजिट नंबर कौन कौन सा होता है। तो अपोजिट नंबर हमारा क्या हो गया, नंबर्स क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अपोजिट नंबर 3 इसमें हो जाता है 1, 6, 2, 5 एंड 3, 4। अब ये 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। अब इसको आप डाइस से समझ सकते हैं, ये हमारा डाइस है, ये 3, तो 3 के अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 के अपोजिट 4, तो 3 को उल्टा करके हम देखेंगे एकदम क्या हो रहा है, 3 के अपोजिट 4 हो गया। फिर 1 है, 1 के अपोजिट ये हमारा 1 हो रहा है, 1 के अपोजिट एकदम देखेंगे कितना हो रहा है 6, ये अपोजिट नंबर हो गया। फिर हमारा 2 के अपोजिट 5, अब हम देखते हैं ये 2 नंबर्स है, 2 के अपोजिट आप देखिए कितना आ रहा है 5, तो ये अपोजिट्स नंबर हो गए। अब इसी के हिसाब से हम आंसर देंगे, ऑप्शन 1 ए में 6, बी 5, सी 2 एंड डी 3। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 1 के अपोजिट हमारा क्या नंबर है 6, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 नंबर
वन के अपोजिट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ ट्रायंगल ऊपर बना हुआ नीचे सर्कल है सिक्स इज रिलीज टू देन इज सम वे देन इन द सेम वे ट्रायंगल सिक्स इन रिलेटेड टू ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है, द नंबर रिटन इन द लोअर फिगर इन ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड इन अपर फिगर। नीचे जो लोअर फिगर जो दिया गया है वो ट्वाइस नंबर में दिया गया है और साइड अपर फिगर है उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सो ट्वाइस नंबर बढ़ता जा रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच थ्रेड इज लॉन्गेस्ट। कौन सा थ्रेड लॉन्गेस्ट है यानी कौन सा धागा सबसे लंबा है, पी क्यू आर एंड एस। तो जो सबसे ज़्यादा फोल्ड किया हुआ थ्रेड है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, तो P हमारा सबसे ज़्यादा थ्रेड है, उसको हम सीधा करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट धागा हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन P। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली सेम द गिवन फिगर। इस फिगर के एग्जैक्टली सेम फिगर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है। तो हम देखते हैं ये येलो कलर का फिगर है तो ए और सी तो पहले ही क्रॉस हो गया, ये दोनों तो हो नहीं सकता है। अब इस दोनों में हम कंपेयर करेंगे सेम टू सेम कौन सा फिगर है। अब इसमें आप हम देख सकते हैं इसकी जो है चोंच जो है ये क्या है, रेड कलर है, और यहाँ भी बी ऑप्शन रेड कलर है जबकि डी में ये क्या हो रहा है, ब्लैक। तो सेम टू सेम ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से एक ऑड ऑप्शन चूज करना है, ए में हो जाता है ये डोरेमोन और ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं एंड डी क्या है, न्यूज़पेपर। तो सो ऑड वन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी एंड सी, सो कार्टून कैरेक्टर। ये तीनों कार्टून कैरेक्टर है जबकि डी जो है एक न्यूज़पेपर है। क्वेश्चन नंबर एट, इफ रैट इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड स्नेक, देन लिव्स इन कैनल। तो कैनल में कौन रहेगा, तो सबसे पहले अपने को पता है कि कैनल में कौन रहता है, डॉग, ठीक है। तो हमारा इसको हम लिखकर समझेंगे, तो इसको हम समझेंगे कि पहला क्या है, रैट इज कॉल्ड फिश। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रैट इज कॉल्ड फीस, रैट को हम फीस कह रहे हैं, फिर देन हो जाता है फीस को हम डॉग कह रहे हैं, फीस इज कॉल्ड डॉग, देन डॉग इज कॉल्ड स्नैक, डॉग इज कॉल्ड स्नैक। तो लेफ्ट में कौन सा, कैनल में कौन रहेगा, तो कैनल में कौन रहता है, डॉग, और डॉग को हम क्या कह रहे हैं, स्नैक, ठीक है। कैनल में डॉग रहता है और डॉग को हम स्नेक कह रहे हैं, तो फिर कैनल में कौन रहेगा, स्नेक। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए माउस, बी फिश, सी डॉग, डी स्नेक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्नेक, क्योंकि हम डॉग को स्नेक कह रहे हैं और डॉग कैनल में रहता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्स इट्स एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन। ये जो फिगर एक्स है ये इसमें किस बॉक्स में अच्छी तरह से एम्बेडेड हो जाएगा, फिक्स आएगा। अब इसको हम यहाँ पर डाल के देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये खाली हो रहा है तो ये नहीं आएगा। सेकेंड में हम देखेंगे तो ये हमारा ये ऑप्शन ऐसे चला जाएगा और फिर ये ऐसे, तो ये ऑप्शन इस तरह का फिगर ये बन जाएगा, इस तरह का ये फिगर है ऑप्शन एक्स। इसमें हम देखेंगे तो ये बॉक्स खाली है और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये बॉक्स ये वाला खाली है, सो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द अल्फाबेट विच इज नॉट हिडन इन द गिवन लोगो।
इसमें हमें देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो इसमें नहीं छुपा हुआ है। पहला है हमारा ऑप्शन ए, ए हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ए। नेक्स्ट वी, यहाँ से यहाँ कर दिए तो ये वी लिखा गया अल्फ़ाबेट। सी, एल, यहाँ से ये एल ऐसे लिखा जाएगा। एंड क्यू, ये हमारा ये अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्यू। क्यू जो है यहाँ पे लोगों में नहीं छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें से हमें करेक्ट मैच देखता है। ऑप्शन ए, ये तीन ग्रुप में वॉच दिया गया है, इक्वल टू फोर ग्रुप एंड थ्री वॉचेज ईच। फोर ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप क्या हो रहा है, वन टू एंड थ्री, ये थ्री ग्रुप्स हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे आंसर सामने दे रहा है फोर ग्रुप्स, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। सेकंड देखेंगे कितने ग्रुप हो रहे हैं, वन टू थ्री एंड फोर, और सबके अंदर कितने हैं, तो वन टू एनवेलप है। मैच में सामने देखेंगे इक्वल टू फोर ग्रुप्स एंड टू एनवेलप ईच, सही है, फोर ग्रुप्स हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर, एंड सब में दो दो एनवेलप दिए गए हैं, तो वन टू है, तो सो करेक्ट मैच इज ऑप्शन बी। सी में भी हम देख लेते हैं, ये करेक्ट मैच नहीं हो रहा है, वन टू थ्री फोर ग्रुप्स है, जबकि यहाँ सामने थ्री ग्रुप्स दिया गया है। एंड डी में कितने ग्रुप्स हैं, वन टू थ्री, थ्री ग्रुप्स तो ये दिए हुए हैं, जबकि फाइव टॉफी इसमें दिए कह रहा है, जबकि टॉफी कितने हैं, वन टू थ्री फोर, सो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शॉर्टेस्ट। इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट आइटम क्या है, ये स्केल दिया गया है और इसमें हम देखते हैं पेन, इरेजर, पेंसिल, दो पेंसिल दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, तो हम ये देख लेते हैं। ये पिन जो है कितने सेंटीमीटर का है, वन एंड टू, ये टू सेंटीमीटर्स हो गए, ये हमारे हो गए वन टू एंड थ्री, थ्री सेंटीमीटर हमारा इरेजर हो गया। पेंसिल देख लेते हैं, वन टू थ्री, ये पेंसिल हो गया थ्री सेंटीमीटर, एंड ये पेंसिल हो गया कितना, फोर सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा जो है कौन सा हो रहा है, पिन जो है सबसे छोटा टू सेंटीमीटर हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इज आइटम ऑफ द शॉर्टेस्ट आइटम, पिन इज शॉर्टेस्ट आइटम, यानी सबसे छोटा आइटम पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन गिवन नंबर पैटर्न, 0, 1, 3, 6, 10, 15, व्हाट, ये कौन से पैटर्न में नंबर पैटर्न चल रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो पैटर्न हमारा चल रहा है 0, 1, 3, 5, 10, 15 एंड 20। तो 0 + 1 = 1, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, और 15 + 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 21। सो सब जगह 1-1 नंबर्स जो है यहाँ पर प्लस होता जा रहा है, ये पैटर्न हमारा काम कर रहा है। 0 1 + 1, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 क्या हो गया, 15, और 15 + 6 = 21। तो यहाँ पे नंबर्स क्या आ जाएगा, 21। करेक्ट आंसर किस में दिया गया है, ऑप्शन बी, सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 14 एंड 15, डायरेक्शन स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये हम देखते हैं, लेफ्ट साइड से श्रेया, सेना, कृति, अनाया एंड श्रुति, तो ये लेफ्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हम काउंटिंग करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर श्रेया है, स्नेहा, तो ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग हो रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे इस प्रकार हो जाएंगे। लेकिन अगर राइट साइड से हम काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन पोजीशन, टू, थ्री, फोर एंड फिफ्थ,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जबकि इधर से अगर लेफ्ट साइड से हम करते हैं तो हमारा ये पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से ये पोजीशन एंड राइट साइड से ये पोजीशन। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइट एंड। फर्स्ट फॉर्म से राइट के लास्ट में कौन सा है, राइट के एंड में सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म पे कौन सा है, यानी राइट की तरफ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा है। तो राइट के साइड से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो पहले स्थान पे क्या कौन आ रही है, श्रुति फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। तो सो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, श्रुति, ऑप्शन सी। सी में क्या है, श्रुति। श्रुति जो है फर्स्ट पोजीशन पर राइट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द स्टैंडिंग बिटवीन स्नेहा एंड अनाया। स्नेहा एंड अनाया के बीच में कौन है, स्नेहा एंड अनाया, ये स्नेहा हो रही है या अनाया, इसके बीच में कौन है, कृति। कृति इन दोनों के बीच में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कृति। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।